दंतेवाड़ा की जीवनदायिनी नदी शंखिनी डंकिनी नदी के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन इस नदी का ये नाम पड़ने के पीछे क्या मान्यता है या क्या कहानी है ये बेहद कम लोगों को पता है। 13वीं शताब्दी में बना बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के मंदिर के पीछे शंखिनी डंकिनी नदी का संगम तट है। ये नदी क्षेत्रवासियों के लिए जीवनदायिनी भी है और आस्था का प्रतीक भी। इन दोनों नदियों को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये नदी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी है। तो आइए ईटीवी भारत के साथ जानिए इस नाम के पीछे की वजह। यहाँ के जो जिया बाबा हैं, जो यहाँ के पुजारी, यहाँ के दंत कथाओं के अनुसार जो है कहा जाता है कि एक दिन जो है उनको स्वप्न में जो है दोनों साखनी डाकनी योगिनियाँ स्वप्न में उनको यह बोध करवाए कि बाबा आप जो है दोनों नदियों में जो है पूजा अर्चना कीजिए और एक आखेड़ जो यहाँ पे जो है मछली पकड़ने वाला मछुआरा जो है वो उसका मतलब स्वप्न में आया वो। तो बाबा जब उनके पास गए तो वहाँ पे जो है एक डंडे में जो मछली जो पकड़ते हैं जैसे कि गरी जो होता है उस टाइप की डंडे से जो है बाबा जब ऐसे नदी में जब फेंके तो वहाँ से जो है एक नदी से जो है डंक बाजा जो है वो प्राप्त हुआ और एक नदी से जो है शंख प्राप्त हुआ, जिसके कारण से जो है यहाँ के दंत कथा अनुसार यह प्रचलित है कि एक नदी में जो है शंख प्राप्त हुआ और एक नदी में डंक। तो डंक और शंख की वजह से जो है शंख जहाँ से प्राप्त हुआ वो शंखनी नाम रखा गया और डंक जहाँ से प्राप्त हुआ वो डंकनी रखा गया। और ये जो दो शंखनी और डंकनी है वो साक्षात जो है साखनी और डाकनी यही दो योगिनियाँ जो है स्वप्न में आके जिया बाबा से स्वप्न में आके कहे कि शंख और डंक के रूप में हम लोग जो है साथ में यहाँ पे विराजमान होंगे और उसकी पूजा अर्चना कीजिए। तो अभी भी जो मंदिर में जो है डकनी डंक बाजा जो है वो भी है और शंखनी शंख जो है वो भी है, तो दोनों की पूजा उजा होती है निरंतर। बस्तर में भैरमगढ़ नाम की भी जगह है, इस नाम के पीछे भी एक कथा है। यहाँ पे भैरव जी जो है वो जो है रुष्ट हो गए देवी से और वो यहाँ से जब चलने लगे तो उनको जो है रोकने के लिए माता जो है जब वो अपना स्थान से जब निकली तो यहाँ पे जो है बगीचा जो है वहाँ पे माता का पद चिन्ह है वहाँ पे वो रुक गई और दोनों नदियों के संगम के बीच शिला पे वहाँ पे जो है भैरव जी का निशान है और यहाँ से जो है पद चिन्ह जो है गणेश बाहर ये आपका बीजापुर जिला की ओर जो है नदी बहते हुए जो जा रही है तो वहाँ पे जो है गणेश बाहर एक स्थान है वहाँ पे पद चिन्ह है भैरव जी का और उसके बाद सीधा भैरमगढ़। तो कहा जाता है कि भैरमगढ़ भी जो नाम पड़ा है भैरव जी की वजह से पड़ा है। ये तो हुई नदी की बात, माई जी के मंदिर का इतिहास भी बेहद पुराना है। राजाओं का पीढ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करते आए हैं दोस्तों, उन्हीं में से जो है राजा अन्नमदेव से शुरू हो सकता और जब प्रफुल्ल कुमारी देवी जो शासिका थी जो है अपने बस्तर की उनके शासनकाल में छोटे मंदिर का निर्माण किया गया। अब पहले जो मूर्तियाँ थी सब बाहर जो है पड़ी हुई थी, लोग बताते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं बताते आए हैं उसके अनुसार सब मूर्तियाँ बाहर में पड़ी हुई थी, उन्हें महारानी प्रफुल्ल कुमारी द्वारा निर्मित है एक संग्रहालय के रूप में वहाँ पे जो है विकसित किया गया और सभी मूर्तियाँ वहाँ विराजी हैं। ये मंदिर रिसर्चर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा विषय है, यही वजह है कि कई रिसर्चर्स यहाँ शोध करने आते हैं। तो इस मंदिर के ऊपर भी मैंने बहुत अध्ययन किया है। ये मंदिर 11वीं सदी के शुरुआती दशक में निर्मित है। इस मंदिर में नरसिम्हा देव महाराज का, जगदेव भूषण महाराज का और मासुक देवी के तीन शिलालेख हैं जो कि नागवंशी काल के, इससे लगभग ये यानी कि अनुमान मिल जाता है कि मंदिर 11वीं सदी का। इसमें थोड़े और रिसर्च की ज़रूरत है, तो इसमें एक राजा के नाम भी इसमें यानी कि लगभग मैं उसमें पहुंच चुका हूं कि कौन राजा इस मंदिर को बनवाए हैं करके, थोड़े प्रमाण और मिल जाएंगे तो मैं उसको सिद्ध भी कर दूंगा। 1061 का जो शिलालेख है भैरव मंदिर का, उससे ये साबित हो ही जाता है कि 1061 में भैरव मंदिर है तो ये माई जी का भी मंदिर था यहाँ पर, तभी वो भैरव मंदिर हुआ। तो एक अनुमान आ जाता है कि 11वीं सदी के यानी मध्य 11वीं सदी से पहले ही ये मंदिर निर्मित हो चुका है और उस समय क्या शाक्त धर्म का और गणपत्य धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो जहाँ देवी मंदिर होते थे वहाँ गणेश जी की मूर्ति अनिवार्य रूप से होती थी, इसलिए हमें बस्तर में जहाँ भी हमें देवी के मंदिर मिलेंगे वहाँ गणेश की मूर्ति सबसे ज़्यादा मिलेगी और पूरे भारत में बस्तर ही एक ऐसा जगह है जहाँ गणेश की सर्वाधिक प्रतिमाएँ देवी और गणेश
ये यानी कि यहाँ के प्रमुख मूल धर्म रहे, बाद में शैव और वैष्णव धर्म आए जो भी नागवंशियों की अलग शाखाओं के द्वारा। वाकई बस्तर प्राकृतिक रूप से तो अद्भुत है ही, लेकिन यहाँ की धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक स्थल और दर्शनीय स्थल इसे और अद्भुत बनाते हैं। मुकेश श्रीवास, ईटीवी भारत, दंतेवाड़ा।